आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा? पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट के दरमियान एक्यूरेटली मेजर करता है और सर्किट के अंदर करंट को ड्रा नहीं करता। पोटेंशियोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट के दरमियान मेजर करने के लिए बेहतरीन टेक्निक है, एक्यूरेट टेक्निक है। तो हम पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन किस तरह करते हैं? हम पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन करते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स without drawing any current from the original circuit, that is called potentiometer. अब बेटा आपके पास potentiometer के साथ और भी बहुत सारे equipment हैं potential difference को measure करते हैं, वो है आपके पास। क्योंकि बेटा क्या करते हैं, ये भी potential difference को measure करते हैं, लेकिन एक तो ये मुश्किल तरीके होते हैं और इनको operate करना मुश्किल होता है और ये महंगे तरीके होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर हम ज्यादा इन्हसार नहीं करते और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को ही प्रेफर करते हैं। अब यहाँ बेटा एक्सप्लेनेशन के अंदर ये है कि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये वोल्टमीटर भी एक्यूरेटली मेजर करता है, लेकिन ये कभी थोड़ा सा करंट जो होता है सर्किट के अंदर ड्रा कर देता है। अगर हम आइडियल वोल्टमीटर ले रहे हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफिनाइट लेते हैं, जो करंट ड्रा नहीं करता। इनफिनाइट रेजिस्टेंस इसलिए लेते हैं कि करंट फ्लो ही ना कर सके और हम सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू को ही क्या करें, मेजर करें। तो उसके बाद आपके पास यहाँ सीआरओ के बारे में लिखा हुआ है कि सीआरओ जो है वो भी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और ये जितना महंगे तरीके होते हैं और मुश्किल होता है इनको ऑपरेट करना, डिफिकल्ट होता है इनको ऑपरेट करना, इसलिए हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। अब उसके बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ऊपर करें सर। अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर की, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखिए। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑन विच अ टर्मिनल सी कैन स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर को पढ़ने से पहले आप रियोस्टेट के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, जहां रियोस्टेट के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक चीज बेटा पढ़ी थी जो आप लोगों को याद होगी। वो चीज हमने क्या पढ़ी थी, वो बेटा हमने पढ़ी थी कि एक हम वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं जिसके दो टर्मिनल फिक्स होते हैं और एक टर्मिनल जो होता है उसका वो स्लाइड करता है। तो यहाँ पर भी बेटा हम वही कॉन्सेप्ट, वही बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर के दो टर्मिनल फिक्स हैं और उसके ऊपर एक जो टर्मिनल है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। तो हम कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन जब लिखते हैं कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर आर इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑन विच टर्मिनल सी कैन स्लाइड, जैसा कि तस्वीर में दिखाया हुआ है। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी can be varied from 0 to R as the sliding contact C is moved from A to V. अब देखें बेटा आपने पढ़ा था कि sliding contact को जब हम move करवाते हैं तो length change हो जाती है, तो length directly proportional होती है resistance के। अगर length change होती है तो length के change होने से resistance भी क्या होती है, change होती है। आप sliding contact को move करवाते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मूवमेंट से रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस के चेंज होने से आपके पास जो है वोल्टेज भी चेंज होता है, जो हम आगे जाके पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो हमारे पास बेटा इफ बैटरी ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस आर, तो इस बैटरी में जो करंट, इस बैटरी की वजह से जो करंट होगा, करंट आपको पता है करंट होता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो बेटा आपको पता है ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट, तो I किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू E ओवर R। यहाँ पर E जो है ये EMF है सेल की और R रेजिस्टेंस है। उसके बाद वो कहता है कि इफ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C
अगर हम ए और सी के दरमियान एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर लेते हैं तो वी किसके बराबर होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, ये स्मॉल आर इस वायर की रेजिस्टेंस है, जो हम यहाँ वायर ले रहे हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इसकी रेजिस्टेंस है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, और आई ऊपर हमने पढ़ा वो किसके बराबर है ई ओवर आर, तो यहाँ आपके पास वी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आर इंटू ई ओवर आर। अगर सी जो है ए टू बी मूव करता है तो रेजिस्टेंस जो होगी वो जीरो टू आर वेरी मूव करेगी एंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी चेंज फ्रॉम जीरो टू ई, मतलब कि हमारे पास जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा और करंट वैसे वैसे क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको हम क्या एक्ट एज अ, जब हमने रियोस्टेट की दो बातें पढ़ी थी कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमने रियोस्टेट को एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था और दूसरा हमने रियोस्टेट को एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ा था। तो यहाँ देखें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट की मूवमेंट से पोटेंशियल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, अगर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट की मूवमेंट से पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यहाँ पर हम इस रियो पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर कीजिएगा सर, इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सोर्स बाय यूजिंग द सर्किट, बस यहाँ पर कोई अननोन ईएमएफ है और आप फाइंड करना है, यहाँ पर बेटा आप क्या करते हैं एक सोते हैं उसकी ईएमएफ आपको पता होगी, और हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक और सोर्स लगा देते हैं होती है और इसको इसका जो नेगेटिव होता है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव होता है वो टर्मिनल के साथ। यहाँ आपके पास ये होता है, यहाँ आपके पास बेटा ये होता है कि इफ, अब आप देखें आपके पास एक लूप की तरह बन गई है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या स्टडी करते हैं कि हम अगर ईएमएफ को फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर हम ईएमएफ को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमने एक बात पढ़ी थी कि आपके पास पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हम ऊपर देख कर आए हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू आई आर होगा और आप I की वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं जहां हम दोनों सेल की ईएमएफ को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अच्छा अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हम ईएमएफ की सेल क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको पता है जो E है वो किसके बराबर होगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यहाँ जो स्मॉल R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल L एंड जो कैपिटल R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, यहाँ पर R कैपिटल L जो है टोटल लेंथ ऑफ वायर AB है और स्मॉल L जो है ये A टू C जो हमारे पास लेंथ थी जो हमने अननोन EMF के साथ कनेक्ट की थी ये उसकी वैल्यू है। तो आपके पास E1 जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा EL1 ओवर L और E2 किसके बराबर आ जाएगा EL2 ओवर L, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी E1 ओवर E2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ। तो बेटा आप एक तो अननोन EMF को फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, अननोन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और पोटेंशियल की रेशो को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एक इक्विपमेंट है बड़ा सादा सा, बाकी भी इक्विपमेंट है, इसको ऑपरेट करना भी ईजी है भी सस्ता, और इसको इसके अंदर जो हम एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल की मेजर कर सकते हैं, सर्किट के अंदर करंट भी ड्रा नहीं होता। अगर हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं तो वोल्ट मीटर जो है सर्किट के अंदर करंट को ड्रा करता है, हमने आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है क्या करनी पड़ती है कि इनफिनिटर के लिए सिंपल क्या करते हैं सर्किट होता है उस सर्किट के अंदर हम सॉरी ईएमएफ पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर लेते हैं जो ईएमएफ सेल की को एक्यूरेटली मेजर करता है, अननोन ईएमएफ को भी फाइंड करता है। तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक।